नक्सलगढ़ से एक जवान का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीएम से मदद की गुहार लगा रहा है। उसने चेतावनी दी है कि यदि वह देश की रक्षा के लिए बंदूक उठा सकता है, अपनी जान दे सकता है, तो अपने परिवार वालों के लिए पान सिंह तोमर भी बन सकता है। वायरल वीडियो सुकमा जिले का सीआरपीएफ 74वीं बटालियन का प्रमोद उत्तर प्रदेश के हसरत जिले का रहने वाला है। बीते दो दिन पहले सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल हुआ था। जवान का आरोप है कि उसके चाचा ने बंदूक की नोक पर जमीन हड़प ली और परिजनों के साथ मारपीट करता है, जान से मारने की धमकी भी देता है। पुलिस की मिलीभगत की वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुकमा से भी उच्च अधिकारियों ने वहां के जिला कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही पत्र का कोई जवाब आया है। जवान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह उठता है कि देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को आखिरकार इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जवान ने पान सिंह तोमर बनने की चेतावनी दी थी। छत्तीसगढ़ से यह दूसरा मामला है। अब देखना यह होगा कि जवान को इंसाफ मिलता है या फिर नहीं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अखिलेश जायसवाल।